गोभी की एकदम नई पेशकश। इसके डंठल को हटा लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। नमक डाल के पानी में कुछ देर के लिए बॉईल कर लीजिए ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। एक एक प्याज भी काट लेते हैं, हम आगे इसे काम में लेंगे। एक प्याज के साथ थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट लेते हैं। अच्छे से उबल चुकी है, इसका पानी निकाल के इसके थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब इस उबली हुई पत्ता गोभी में थोड़े से प्याज डाल दीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा अजवाइन। पेट को अच्छा रखता है और ठंडा रखता है, डाइजेशन भी ठीक रखेगा, और 2 चम्मच बेसन। बेसन के बाद इसमें आप अपने इच्छा अनुसार थोड़े से मसाले डाल लीजिए, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, जो भी आपको पसंद हो थोड़ा डाल लीजिए, और हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड करेंगे, लगभग 2 चम्मच के आसपास, एक एक करके।
इसे दो तरीके से बनाया जाता है, या तो छोटी छोटी टिक्की बना लीजिए या फुल चीला बना लीजिए। तो दोनों तरीके से बना के तैयार करके दिखा रहे हैं और इसे हम फिर तैयार करने के बाद खाएंगे एक स्पेशल चीज़ के साथ। तो चलिए ये तैयार है, इसे खा लेते हैं इमली की चटनी के साथ और इसके बाद बनाएंगे हम इसका एक बहुत ही बढ़िया सा तवे पे चीला भी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, चीला ज़रूर देखिए कैसे बना।